तो दोस्तों, स्वागत है आपका बाइक एडवाइजर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्टिवा 4G में हम एक तो हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे और दूसरा इसके अंदर एक तेज रोशनी का बल्ब लगाएंगे, LED बल्ब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑन ऑफ स्विच इस जगह पर लगेगा, तो इसके लिए हमें ये कैप को हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका वाइजर हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिपर स्विच का सॉकेट है। इसके बीच में जो कत्थाई कलर का तार आ रहा है, ये वाला तार, तो इस तार को हम कट करेंगे। तो दोस्तों, डिपर स्विच के सॉकेट को हमने अंदर की साइड ले लिया, जिससे कि तार को आराम से काटा जाए। ये तार आपको दिख रहा है कत्थाई कलर का, जो सॉकेट के बीच में लगा हुआ है, इसको हम काट लेते हैं। ये यहाँ पर हमने हेडलाइट स्विच लिया है और एक सॉकेट लिया है पुरानी वायरिंग में से, तो इस सॉकेट को हम स्विच के अंदर लगाएंगे। और सॉकेट को लगाने के बाद हम इस स्विच को गाड़ी के अंदर फिट करेंगे। स्विच को फिट करने के बाद हम तारों को अंदर की साइड ले लिया है, तो इन तारों में से हम एक कत्थाई कलर के तार को, जो हमने काटा था कैंची से, उस तार के अंदर एक तार को जॉइंट करेंगे। दोस्तों, दूसरा जो स्विच का तार आ रहा था, वो हम ब्रेक स्विच के तार में जॉइंट कर देंगे। और ब्रेक स्विच के काले वाले तार के अंदर जॉइंट करना है दोस्तों। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच का जो पहला तार है, वो एक जो हमने डिपर स्विच का जो तार काटा था उसके अंदर लगेगा। दूसरा जो तार है, वो ब्रेक स्विच के ब्लैक वाले तार के अंदर लगेगा। बस आपको हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच का जो दूसरा वाला तार है, वो ब्रेक स्विच के ब्लैक वाले तार के अंदर लगेगा। और एक तार डिपर स्विच में जो हमने कत्थाई कलर का जो तार काटा था उसके अंदर लगेगा। बस यही ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है, सरल है ये। तो दोस्तों, ये यहाँ पर हमने फिट कर दिया है पीले वाले तार को इसके अंदर। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, ये C6 कंपनी का बल्ब है। इसके अंदर पंखा लगा हुआ है, क्योंकि इस बल्ब की रोशनी जो है वो काफी तेज है, तो हेडलाइट ना पिघले, इसलिए ये जो है इसके अंदर बल्ब के अंदर पंखा दिया हुआ है। जैसे ही आप बल्ब को जलाएंगे तो इसके अंदर पंखा चालू हो जाता है। अभी हम इस बल्ब को फिट कर लेते हैं, फिर आपको इसके बल्ब को पंखे को दिखाएंगे कैसे ये पंखा इसके अंदर घूमता है।
तो दोस्तों बल्ब के सॉकेट को हमने फिट कर दिया है। हम इसके बल्ब के अंदर जो पंखा लगा हुआ है वो दिखाते हैं हम आपको चलाकर। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हम बल्ब को जला रहे हैं तो पंखा घूम रहा है। ये इस बल्ब की खासियत है। तो दोस्तों लाइट को ऑन करके दिखाते हैं हम आपको। तो ये लाइट ऑन हो गई, काफ़ी तेज़ रोशनी है इस बल्ब की। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।